No. So guys, आज तो full adventure हो गया. मैं internet भी खत्म, recharge भी नहीं मिल रहा है. Hey guys, welcome back to the channel. This is Himanshu and I'm a travel vlogger. और अभी बज रहे हैं around सुबह के 4 और मैं हूँ Nha Trang airport पे. जी हाँ दोस्तों, आज हमारी यहाँ से फ्लाइट है हनोई की. दूसरी फ्लाइट है वो 7:30 की है और रात की फ्लाइट है, जो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है. एक यही फ्लाइट ऐसी थी जिसमें हमें अवेलेबिलिटी मिली, जो कि है 5:50 की. और साथ ही साथ ये फ़्लाइट चीपर भी है. जो दूसरी फ्लाइट हैं 7:30 वाली और रात वाली, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है. और ये जो फ़्लाइट है, हमें इसका टिकट पड़ा है अराउंड 1.3 मिलियन VND फॉर 2 पीपल. देखना चाहते हैं कि बाहो वाटरफॉल कैसा है, तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कहीं यहाँ आई बटन में आ रहा होगा. तो गाइस, हम लोग यहाँ पे 5 बजे के आसपास पहुँच चुके हैं और जो फ्लाइट है हमारी वो 5:45 की है. तो अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा मसाज ले लें. फुल पैसा वसूल है भाई, ये करना ज़रूर बनता है अगर आपके पास टाइम है तो एयरपोर्ट पर. और कितनी अजीब सी बात है ना, अभी हम लोग जो थे वो ऐसी जगह पे थे जहाँ पे ह्यूमिड हो रहा था और टैनिंग हो रही थी, गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी. और अभी ऐसी जगह आ गए हैं, एज यू कैन सी फॉग पूरा लगा हुआ है, तगड़ा. सबने जैकेट वैकेट पहनी हुई है. तो गाइस, आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी, जैसे ही आप लोग एयरपोर्ट में आओगे, एयरपोर्ट से थोड़ा बाहर आके ग्रैब का स्टेशन है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में T3 के बाहर ओला उबर के अलग से बने हुए. तो गाइस, अभी हमने ग्रैब नहीं करी है, हमको टैक्सी मिल गई थी. और टैक्सी भी क्या मिली बाबा, फॉर्च्यूनर, समझ रहे हो ना भाई, स्वैगी आ रहा है एकदम अलग ही. सेम बेसिकली सेम रेट में पड़ रही थी, हमने ग्रैब में देखा था तो उसमें बल्कि ज़्यादा ही दिखा रहा था थोड़ा सा. तो भाई ने बोला 300,000 में चलेगा. हमारा होटल कहाँ पे बिलन? होइम खांग डिस्ट्रिक्ट में हमारा होटल का नाम है माई होटल 07. वहाँ पर हम अभी जा रहे हैं, होइम खाम. अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो प्लीज़ बताना कमेंट करके. और सीधे होटल पहुंच के मिलते हैं और मैं दिखाता हूं आपको कि क्या सीन है. बाहर तो हो रही है बारिश. वैसे हम लोग होटल पहुंच गए, आंखों में दिख रही होगी कितनी नींद भरी हुई है. अभी रूम पे जाके तुरंत मैं सोऊंगा दबा के, उसके बाद ही कुछ आगे का सीन बन पाएगा. वैसे होटल तो अच्छा दिख रहा है. और अभी सो के मैं आ गया हूँ बाहर, करना ऑलरेडी निकल गया था घूमने के लिए बिकॉज मैं सोया था. तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज अगर आप कुछ खाते हो, कोई भी डिश लेते हो, तो वो आपको करीबन 30 डोंग से लेके 35 डोंग ऑन एन एवरेज पड़ जाता है. तो अभी जैसे मैंने चिकन खाया था, चिकन और प्लस एग खाया था, वो मुझे 30 डोंग के आसपास पड़ा, जो कि ऑन एन एवरेज 90 रुपये के आसपास पड़ जाता है. और अभी मैं जूस की दुकान में आया हूँ, तो यहाँ पे एज यू कैन सी जूस जो है वो 30 डोंग के आसपास है. और कुछ जो अगर आप सिंगल जूस लेते हो सिंगल फ्रूट का, तो वो 25 डोंग पड़ता है. अगर आप उसे मिक्स लेते हो तो 30 के आसपास पड़ता है. सो गाइस, मैंने मंगाया अभी एक मिक्स जूस, जो कि है स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पाइनएप्पल एंड हनी मिला के. और इन्होंने साथ में एक आइस टी भी दी हुई है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे मोस्टली रेस्टोरेंट में हर किसी भी डिश के साथ मिली जाती है. तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी ओपरा हाउस गूगल मैप में डाल के, बिकॉज जो मेरा होटल है उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे है. सो गाइस, ये हम पहुँच गए हैं ओपरा हाउस. और एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी, ये मेरे पीछे ओपरा हाउस से बहुत लंबी लाइन लगी हुई है. सीरियसली लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ऐसा लगता है यहाँ पे ओपरा देखने के लिए. सो अगर आप लोग आ रहे हो तो मुझे इसका टिकट का तो पता है नहीं कितना टिकट है और क्या है, आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना, गूगल मार लेना, हो सकता है ये ऑनलाइन बुकिंग पक्का देते होंगे ओपरा की. सो गाइस, ये ओपरा हाउस के जस्ट सामने एक टूरिज्म हनोई टूरिज्म इंफॉर्मेशन का एक काउंटर है. बेसिकली ये टूरिस्ट यहाँ पर पैकेजेस दे रहे हैं कि अगर आपको पूरा सिटी टूर करना है तो उसके कितने पैकेज होंगे. तो इसमें ये आपको टूर गाइड दे रहे हैं जो इंग्लिश बोलता होगा और आपको स्कूटर में वो सिटी में घुमाएगा 3-4 घंटे पूरा. उसके $50 के आसपास बोल रहे हैं, थोड़ा डिस्काउंट करके $45 के आसपास ये मान जाएगा. और एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरा जो फ़ोन है उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है. पता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप कहीं भी जा रहे हो, सोलो ट्रिप हो या फिर अकेले कहीं भी निकल रहे हो, किसी भी दूसरी कंट्री में या कहीं भी, आपके फ़ोन का इंटरनेट कभी बंद हो सकता है. इसलिए अपने होटल की लोकेशन और एक होटल का कार्ड और होटल की फ़ोटो ज़रूर फ़ोन में ऑफलाइन रख लें, ताकि इन ऐसे केसेस में आप GPS के थ्रू अपने होटल पहुँच सको. और प्लस दूरा लॉन्ग बे का भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, वो आपको $79
पर पर्सन बता रहा है इसमें सुबह पिकअप और शाम को ड्रॉप कर देंगे, और अगर आपको एक रात दो दिन वहाँ पे रहना है तो उसका अलग पैकेज है। तो अगर हम लोग, जैसे हम लोग दो हैं तो हम लोगों के केस में वो डिस्काउंट करके बता रहा है कि $140 के आसपास लगा दूंगा, बट लेट मी डिस्कस विद करण ऑल्सो और फिर देखते हैं क्या है, क्योंकि बिकॉज हमारा प्लान जो है वहाँ पे एक रात स्टे करने का है। सो गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, मेरा इंटरनेट का डेटा खत्म हो गया है, तो बेसिकली भाई ने थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करी, बट वो समझ नहीं पा रहा बात को और मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। सो गाइस आज तो फुल एडवेंचर हो गया, मैं इंटरनेट भी ख़त्म, रिचार्ज भी नहीं मिल रहा है, और मुझे जाना था नाइट मार्केट, अब मैं पता नहीं कैसे जाऊँगा बिकॉज यहाँ पे इंटरनेट ना चलने की वजह से ये लोड नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं इस तरह से अपनी GPS की लोकेशन और वो जो मैंने पिन ड्रॉप किया था अपने होटल का, उसके थ्रू रोड देख देख के जा रहा हूँ। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो 6:20 हुए हैं शाम के, और पूरा शांति हो गई है, बल्कि आज क्रिसमस है। आई थिंक मार्केट वगैरह में ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए मैं सोच रहा था जाने की। अभी आई थिंक मुझे पहले होटल चले आना चाहिए, होटल जाके मैं देखता हूँ वहाँ पे कहाँ से रिचार्ज हो सकता है, उसके बाद ट्राई करता हूँ कहीं जाने की, अगर कोई चीज़ ओपन रहती है अब इतनी रात को। सो गाइस आफ्टर ऑफ सो मच ऑफ स्ट्रगल मैं होटल पहुँचा, होटल के वाईफाई से मैंने इंटरनेट चालू किया, उसके बाद ट्रांसलेटर ऑन किया, और कहते हैं ना गाँव में छुरा और शहर में ढिंडोरा, मेरे होटल के जस्ट बगल में रिचार्ज की शॉप है। ओके सो अभी मैं फटाफट यहाँ से एक हफ्ते का रिचार्ज करा लेता हूँ, उसके बाद ये बोल रहे मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं स्मोक करने के लिए। यार वहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल लग गया, बिकॉज उन लोगों के पास जो रिचार्ज था वो एक महीने का रिचार्ज था, जो कूपन कोड थे बेसिकली, जो कूपन ही तो जो स्क्रैच करते हैं वो एक महीने वाला था। तो यहाँ पे होटल वाले से बात करी तो मैंने उनको पूछा कि क्या, जैसे हम लोगों का पेटीएम के थ्रू जाता है तो मुझे लगा यहाँ पे भी कुछ होता होगा, तो मैंने उनको पूछा कि यार क्या आप अपने फ़ोन से रिचार्ज कर सकते हो, तो उसने बोला कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो समझो मतलब पूरी दुनिया घूम ली, आस पास सब पूरा पड़ोस छान मारा, लास्ट में होटल में रिसेप्शन में रिचार्ज करा रहा हूँ 7 days का, 30,000 वियतनामीज मूवी फोन सिम कार्ड है, और उसमें मिलेगा 7 GB इंटरनेट फॉर 7 days। मतलब ये आप लोग इससे एक लर्निंग ले सकते हो कि अगर इनकेस ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या पूछना है। नंबर वन, आपके पास होटल का पिन ड्रॉप लोकेशन होना चाहिए, होटल का एड्रेस होना चाहिए। नंबर टू, आपके फ़ोन में ट्रांसलेटर ऑफलाइन अगर है तो वेल एंड गुड है, बिकॉज अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आप किसी से कुछ पूछ भी नहीं पाओगे। और नंबर थ्री, अगर आप रिचार्ज कराते हो रिचार्ज शॉप में ना जाके किसी लोगों से भी पूछ लो कि अगर वो क्या पता अपने फ़ोन से कर पाएँ, जैसे कि हम पेटीएम से कर पाते हैं। एंड नंबर फोर, अपने पास एक हार्ड कॉपी ज़रूर रखें इनकेस अगर आपका फ़ोन खो जाता है, गुम हो जाता है, भगवान ना करे अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हो गया, तो उसके लिए आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए कि आप कहाँ पे रह रहे हो और होटल का एड्रेस क्या है, या फिर कोई होटल का एक कार्ड हो जिससे कोई, जिसमें फ़ोन नंबर हो होटल का, ताकि कोई आप किसी और की हेल्प से होटल में फ़ोन कर सकते हो। प्लस दूसरा ऑप्शन ये भी है, अगर आपके पास होटल का एड्रेस है ना और आपके कैश तो हो गई, तो आप ग्रैप के थ्रू जो स्कूटर वाला होता है उसको बोलो कि मुझे यहाँ जाना है और उसे पे कर दो। तो ये चीज़ें आज मैंने लर्निंग ली यहाँ पे, क्योंकि काइंड ऑफ मैं यहाँ पे खो ही गया था, काइंड ऑफ खो गया था बेसिकली, गुम हो गया था, बिकॉज कुछ रस्ते का पता नहीं, GPS काम नहीं कर रहा था बिकॉज इंटरनेट नहीं था। सो बट समहाउ ऑफलाइन GPS के थ्रू मैं होटल में पहुंच चुका हूँ। देख रहे हो आप, मूड पूरा ऑफ हो चुका है यार, पता नहीं अब मैं जाऊँ या ना जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज मेरा प्लान तो था नाइट मार्केट जाने का, आज क्रिसमस भी है, मूड थोड़ा ऑफ हो गया, इतना घूम लिया, मन नहीं कर रहा यार। मैं सोच रहा हूँ कि आसपास ही कहीं डिनर करने निकल जाता हूँ, और उसके बाद वापस रूम पे आ गए ना, मैं दूसरा मूवी भी देखूंगा यार, मज़ा नहीं आया। सो गाइस जिस होटल पे मैं रुका हुआ था, मुझे अभी पता लगा कि उसमें स्कूटी ये लोग फ्री देते हैं, आप लेके जा सकते हो, बस आपको गैस भरानी होती है। तो मैं स्कूटी लेके अभी आया हूँ बाई होई जंक्शन, BAIHOI जंक्शन, जो कि यहाँ की नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस है, और मैंने चारों तरफ चक्कर लगा लिया, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही है, और पार्किंग जो है लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पुलिस के बंगे बड़े होते हैं, और मैं अभी पुलिस के बंगों में फंसना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं वापस यहाँ से होटल जा रहा हूँ, स्कूटी ड्रॉप करूँगा, और आज मैंने बहुत एक्सप्लोर कर लिया, सारी चीज़ें देख ली है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बिकॉज ऑफ क्रिसमस यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतना रश है, सारी पार्किंग फुल है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मैं कल एक्सप्लोर करूँगा, बिकॉज कल थोड़ा मार्केट खाली हो जाएगी, थोड़ा रश कम होगा, और स्कूटी के साथ ना थोड़ा ब्लॉक करना भी टफ हो रहा है, इसलिए अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं पहुँच गया हूँ पिज्ज़ा हट में फाइनली, बिकॉज अभी मैं एक लोकल शॉप पे गया था, तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था चिकन का, बीफ और पोर्क, दैट्स इट, उसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आगे चले जाओ, आगे पिज्ज़ा हट मिल जाएगा, तो अभी पिज्ज़ा हट में आ गया, अब जो भी जैसा भी है खा के भाई सोते हैं, और कल को उठना है क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के सिटी टूर करते हैं। Yeah.
कुछ ना हो तो पिज्जा हट ही जिंदाबाद। वैसे काफी दिनों बाद खा रहा हूँ पिज्जा, वैसे डेली खाता नहीं हूँ। कुछ अलग लगा नहीं तो दो दिन से सिर्फ सॉसेज खा खा के ना टेस्ट ही खत्म हो गया था। कभी कुछ लगा कुछ अलग सा लगा।